दिलवाने के लिए, और जिसके लिए आज हम ओम प्रकाश जी का एक ये ठेला ही है लेकिन साइड में खड़ा कर रखा है रोड के, सुभाष नगर बस स्टॉप के जस्ट साथ में हम, और हमने देखा है कि एक परिवार साथ में काम करता है, दोस्त साथ में काम करते हैं, ये सारे एक गांव के हैं, सारे दिल्ली में बसे और फिर यहाँ पे इन्होंने अपना साथ में काम करा, भाई ये गांव का प्यार होता है। तो चलिए इनके पास चलते हैं। जो चूरचूर नान की यहाँ की थाली है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगी दिखने में, साथ में जो सिंपल थाली है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। चलिए अंदर चलते हैं, ओम प्रकाश जी यहाँ के जो ऑनर है मेन, उनके पास चलते हैं, सारी सब्जियां आपको दिखाते हैं और अपने मुंह में पानी लाते हैं। वीडियो लाइक करें यार और चलिए अंदर चलते। तो गाइस यहाँ पे सब्जियां आप देख सकते हैं, ओम प्रकाश जी कौन कौन सब्जियां यहाँ पे? दाल और छोले होते हैं। दाल और छोले ही होते हैं बस। ओके, चने एक बार लाएंगे ऊपर? अच्छा, क्या बात है। और दाल कौन सी है? दाल मखनी है। अरे क्या बात है सर, बढ़िया लग रही है। और दिखाते गाइस आपको यहाँ पे, बाकी इधर सलाद वगैरह है, मिर्च का अचार, गाजर का अचार, मूली, और ये क्या कहते हैं, प्याज वगैरह तो नहीं होगा ना इधर? अभी नहीं है, नवरात्रों में नहीं है। बहुत बड़े, और ये बटर के पीस यहाँ पे रखे हुए हैं स्पेशली, ये अमूल के रखते हैं सर? अच्छा, ये अमूल का पैकेट भी देख सकते हैं गाइस अंदर। तो सर ने आधा किलो के पैकेट काट रखे हैं छोटे छोटे में। ओके, ये रायता है? अच्छा, दिखाना सर एक बार, रायता भी चला के जाइए। ओ भाई, ये कितने रुपये का ग्लास है? 10 रुपये ग्लास है, ठीक। तो गाइस रेट लिस्ट आप देखिए एक बारी, आलू नान 35 रुपये से शुरुआत है जिसमें आपको सिंगल पीस आलू नान मिलने वाला है, और चूरचूर नान फिर आएंगे तो 50 रुपये का पड़ जाता है। ये 6-7 आइटम है यहाँ पे, और सारा रेट यहीं पे लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब अपने बनवाते हैं, एक सिंगल आलू नान लेंगे, एक सिंगल स्पेशल चूरचूर नान लेते हैं यहाँ के, और दोनों आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं नान लग रहे हैं हमारे, चूरचूर नान 55 रुपीज़ हाफ, जो कि आपको गोभी का मिलने वाला है, हमने गोभी का लगवाया क्योंकि सर ने खुद ही बताया कि गोभी का हमारा बहुत स्पेशल है यहाँ पे। और एक हाफ़ लगाए 35 रुपीज़ का आलू वाला, जो बहुत ही सही लग रहा है रेट के हिसाब से कहूँ तो। तो सर ओम प्रकाश जी आपने कहा कि आप सारे साथ ही एक ही गांव से काम कर रहे हैं यहाँ पे, सर कौन से गाँव से वैसे आप? हम तो वहाँ सिद्धार्थनगर के। अच्छा अच्छा, तो अच्छा सही है। पहले उस्ताद थे वो, पंजाब के थे। पंजाब के थे, उन्होंने फिर काम सिखाया था आपको? हाँ, वो अच्छा, वहीं रहते हैं, आते रहते हैं। अच्छा, अच्छा अच्छा, तो फिर आप सारे भी एक ही गांव के यहाँ पे कर रहे हैं साथ में, क्या बात है सर। मैं तो छोटे छोटे थे, नौकरी करते थे। अच्छा, छोटे छोटे थे। हाँ। अब बड़े हो गए काम करते करते। हाँ। क्या बात है, मतलब इतना एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे हर एक जाने को। 2 रुपये प्लेट था उस टाइम। अरे सर क्या बात है, 35 साल पुरानी ये दुकान है गाइस, मैं आपको बता दूँ एक बार, मतलब इतना टाइम हो गया। और आप एक बार देख सकते हैं कस्टमर्स भी यहाँ पे इतना, मतलब अभी भी, हाँ लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में, लेकिन फिर भी ये हैं सर, मैं ये हैरान हूँ, वरना लोग बाहर निकलना ही पसंद नहीं कर रहे, जो कि बहुत अच्छी बात भी है वैसे, बट इतने आपके फ़ैन हैं यहाँ पे जो अभी भी आते हैं आपके पास। तो भैया प्लेन नान हमारा आ चुका है, मतलब ये आलू वाला है हमारा, और चूरचूर वाला भी टाइम लगेगा थोड़ा, वो ये होने वाला है सर, होने वाला है, हो गया हो गया। अरे चूरचूर भी आने वाला गाइस बाहर, चलो देखते दोनों में क्या फ़र्क है, कि भाई रेट नियरली डबल है। यार के गर्मा गर्म चूर चूर ना। ओके सर, प्लेट हमारी लगा दीजिए, अब सामने दिखाते हैं आपको सब कुछ डलते हुए। तो भाई ये डल चुकी है यहाँ पे हमारे छोले और दाल, सब पनीर वगैरह है ना, शाही पनीर वगैरह कुछ नहीं? अच्छा सही है, हाफ हाफ प्लेट हमने लिए, पेपर प्लेट्स हैं मिलने वाली आपको, साथ में सैलड वगैरह। सब्जी दोबारा डलवा सकते हैं सर? हाँ, अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा 2-3 बार यहाँ डलवा रहे थे लोग सब्जी, है ना? अच्छा, इसमें भी हमारी दाल और छोले, सब आगे स्पून। चलिए नान लेते हैं अब अपने, भाई यहाँ सर ने लगा दिया है बटर भर के पूरा। चूरचूर नान में हमें पता चला 3 बारी बटर डलने वाला है आपका भाई, चूरचूर बन गया और ये हो गया प्लेन, ठीक है। प्लेन ऐसे ही मिलेगा सिंपल, एक बटर के आपको टिक्की मिलने वाली है। चूर चूर देखो भाई आप एक बारी, भाई पूरा भर के है, 3-4 टिक्की आपने इसमें डाल दी हैं, ऊपर से बटर भी लिक्विड वाला भी, वो मैम कमाल लग रहा है। चलिए भाई अब अपनी प्लेट लेते हैं, फोटो निकालते हैं और आपके पास वापस आते हैं। तो गाइस हमारी भाई यम्मी से दिखने वाली 2 थालियाँ आ चुकी हैं, रायता से स्टार्ट करते हैं, 10-10 रुपये का रायता मैं आपको दिखाऊँ एक बारी, मुझे काफ़ी सही लग रहा था रायता, चलो पी के ज़्यादा पता चलेगा, अभी इनको साइड करते हैं। सबसे पहले काम करिए भाई, वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए, गोभी नान वर्सेस आलू नान आपके कौन से फेवरेट है? अब रेट मैं आपको बताने वाला हूँ, 35 रुपीज़ ये पूरी प्लेट, 35 रुपीज़ में जितनी चाहे, वैसे तो
उतनी आप सब्जी यहाँ पे ले सकते हैं, लोग ले रहे हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ जितना। और ये है 55 रुपीस के चूर चू नान थाली, 3 बारी बटर डाला हमारा अमूल वाला। तो मुझे लग रहा है कि रेट के मामले में बहुत ही गजब है, मतलब 35 रुपये में ऐसी थाली कहाँ मिलती है यार आजकल, वो भी इतनी सुंदर दिखने वाली। अब टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। ओ भाई थिक है नान काफ़ी, स्टफिंग जो है आलू की हुई थी अंदर, मैंने आपको दिखाई थी, और काफ़ी अच्छी स्टफिंग है गाइस, ऐसा नहीं कि नाम नाम की है, बहुत बढ़िया स्टफिंग है। टेस्ट करते हैं, बटर ज़्यादा ही आ गया थोड़ा कम करके। मतलब जो खाने की जो शक्ल है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, मैं कहने का मन कर रहा है कि 35 रुपये के हिसाब से नहीं लग रही है, लग रही है कि भाई अच्छी खासी प्लेट है, मतलब 70-80 रुपये की प्लेट लग रही है। ये आ गए छोले, गर्मा गर्म छोले, बिल्कुल वैसे स्वाद है जैसे कि हमें तंदूरी कुलचे के साथ जो छोले मिलते हैं ना, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, प्याज वगैरह, सिर्फ बॉइल्ड छोले और मसाले, तो कुछ वैसे ही छोले हैं और गर्म है। बात मेन ये है, आइए ज़रा दाल मखनी पे आते हैं। दाल मखनी देखिए आप, बढ़िया जो स्टफिंग है ना वो है मेन, यहाँ की भरी हुई है पूरे जो नान की है। चूर चूर पे आते हैं, ये देखिए एक बारी पूरा बटर एब्जॉर्ब करा हुआ है, थोड़ा बटर लेते हैं, आइए करते हैं ट्राई चूर चू नान। पहले लेते हैं दाल मखनी के साथ, थोड़ा मैं शाही पनीर को मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, बट जिस रेट में दे रहे हैं और उसमें ये मिल जाए उतना भी बहुत आए थे। सही है, वैसे मुझे छोले थोड़े ज़्यादा बेटर लगे हैं दाल मखनी से, छोले के साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। भाई छोले पे आते दोबारा एक बारी चूर चूर नान के साथ, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, स्पाइसी नहीं है, दोनों में से पिक कर मुझे छोले ज़्यादा थोड़े और बेटर लगे हैं, पर नान कमाल प्रॉपर फिलिंग के साथ, स्पेशली इनका जो आम का अचार है। कच्ची आम भी एक अच्छी डील है, डिसेंट डील है। बूंदी तो बहुत डाली वैसे, नमकीन रहता है अंदर, जीरा भी ऐड है और 10 रुपये का रहता है। तो देखो जिस रेट की हम बात करें ना उसमें ज़्यादा शिकायत नहीं करेंगे कि भाई पानी वाला रहता है, ऐसा रहता है, जिस रेट में जो हमें मिल रहा है ना वो मोर देन इनफ है एक्चुअली। 35 रुपीज़ में आप सब्जी भी दोबारा डलवा सकते हैं, छोले डलवाइए, छोले मुझे अच्छे लगे ज़्यादा, और 55 रुपीज़ में चूर चूर नान। आइए कभी ट्राई करें, सुभाष नगर कभी चक्कर लगता है आपका तो ऐसे ही आप साइड में बैठ कर, वहाँ पे वैसे सिटिंग का अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। टाइमिंग की बात करें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, 7 डेज ओपन होता है वैसे तो, बट कभी छुट्टी हो सकती है तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कॉन्टैक्ट करके आए एक बार। MCD वगैरह का चक्कर हो जाता है कभी कभार, ऐसा सर ने हमें बताया। बाकी फूड इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है इनफैक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एक लाइक करें और ऐसे बड़े बड़े वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।